नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू सेन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो दोस्तों एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आया हूं, बायर ईमेल का रिप्लाई क्यों नहीं करता। कुछ मेरे सब्सक्राइबर या फ्रेंड्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे पूछते हैं कि ये कॉमन क्वेश्चन है कि बायर जो है रिप्लाई नहीं करता हमारे मेल का। तो उसका ये उसकी सब आंसर लेके मैं आऊँ इस छोटे से वीडियो में। क्या आप पर्सनल ईमेल आईडी से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, या फिर आप कंसर्न पर्सन को कर रहे हैं, या फिर आप किस टाइप का अप्रोच लगा रहे हैं, या फिर आपका प्रोडक्ट रॉन्ग है, या फिर आपका मार्केट रॉन्ग है, रॉन्ग मार्केट में आप सर्च कर रहे हैं, या फॉलोअप करने का तरीका ठीक नहीं, या फिर ड्राफ्टिंग आप मेल का ठीक नहीं कर रहे हैं, या फिर शॉर्ट फॉर्म आप लिख रहे हैं जो नॉर्मली बायर को समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप ग्रेडिंग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं कि नहीं, ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये सब कॉमन क्वेश्चन का मैं आंसर लेके आया छोटे से मेरे वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले मेरा पॉइंट है प्रोफेशनल मेल आईडी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इफेक्टिव पॉइंट है कि प्रोफेशनल मेल आईडी से आप कांटेक्ट कीजिए। जब भी आप कांटेक्ट करें, नॉर्मली क्या करते हैं हमारे जो हिंदुस्तानी हमारे भाई बहन जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नया नया बिजनेस चालू किया है, तो वो जीमेल वाली जो उनका पर्सनल मेल आईडी रहता है उसी से वो डायरेक्ट मेल कर देते हैं और उससे बायर को कॉन्टेक्ट कर देते हैं, और कहीं से भी उनको बायर का डाटा मिल जाता है, एम्बेसी से मिल जाता है, या फिर पेड डाटा भी वो लोग कहीं से परचेज कर लेते हैं। तो वो डायरेक्ट अपनी मेल से मेल आईडी नॉर्मल अपनी जो जीमेल वाली आईडी से मेल करने लगते हैं। तो उसमें क्या बायर के अगर पास में वो मेल जाता भी है तो बायर उसको इग्नोर कर देता है कि ये पर्सनल मेल आईडी से, या फिर वो उनके स्पैम में चला जाता है, या फिर उनके वो जो प्रोमोशनल मेल से ऐसे फिल्टर लगा के रखते हैं नॉर्मली जो परचेज मैनेजर्स रहते हैं ये नॉर्मली, तो वो सब इसी हिसाब से मतलब जो जीमेल से आ रहा है या पर्सनल याहू मेल से आ रहा है या फिर रेडिफ मेल से आ रहा है जो कि आपके फ्री मेल है, तो वहां ये कंसीडर करते हैं कि ये जो पर्सनल मेल आईडी से मेल कर रहे हैं। देखिए 100% तो मैं इसको नहीं बोलूंगा, लेकिन 98% ऐसा ही है कि बायर जो है आपका इंपोर्टर जो है वो हमेशा उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है, और वो ये सोचता है कि ये मेल जस्ट किया है, दे आर नॉट टू मच इंटरेस्टेड इन द बिजनेस बिकॉज दे आर कॉन्टेक्टिंग अस विद अ फ्री ईमेल सर्विसेज। लाइक अगर आप अपने प्रोफेशनल ईमेल आईडी से आप कॉन्टेक्ट करते हैं तो वो उसको थोड़ा रिस्पॉन्ड करते हैं और वो मेल ओपन करके भी देखते हैं, क्योंकि अभी देखिए अगर डेली मुझे हंड्रेड्स ऑफ मेल आ रहे हैं तो मैं किसको ओपन करूंगा किसको नहीं ओपन करूंगा ये डिसाइड करता है कि मेल कहां से आ रहा है, किस सोर्स आ रहा है, और वो फ्री है या फिर कोई अपनी कंपनी की वेबसाइट से अपने डोमेन नेम पर ईमेल भेज रहा है। जैसे अगर मेरा ईमेल का आप बात करें तो rajiv@aditya@aglobalexport.com ये मेरा ईमेल आईडी है जो प्रोफेशनल ईमेल आईडी है। पर्सनल ईमेल की अगर बात करें तो sanraju@gmail.com है। तो मैं कहीं भी कांटेक्ट करता हूं तो मैं पर्सनल मेल आईडी से नहीं करता हूं, प्रोफेशनल मेल आईडी से ही करता हूं। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कंसर्न पर्सन, यानी अगर आप जिसको कांटेक्ट कर रहे हैं क्या वो कंसर्न पर्सन है, या फिर जो आपको एम्बेसी से डाटा मिला है या आपने पेड डाटा परचेज किया है, तो उसमें जो भी ईमेल आईडी दिया हुआ है क्या वो जनरल ईमेल आईडी जैसे कई बार होता है info@globalexport.com या फिर service@somecompanydomain.com, तो ये सब इस टाइप की जो ईमेल आईडी रहती है वो नॉर्मली एडमिन के पास रहती है, या फिर उनका जो एडमिन रिसेप्शन बैठता है, रिसेप्शन पे जो लेडीज बैठती है या जेंट्स बैठते हैं रिसेप्शनिस्ट उसको हैंडल करते हैं, उस मेल को नॉर्मली मैनुअली रीड करते हैं। तो अगर कंसर्न पर्सन को आपको ईमेल करना है, क्योंकि अगर जो आपने मेल किया है आपका क्या प्रोडक्ट है, क्या आपने लैंग्वेज लिखी है, तो वो उस चीज को समझने में भी उनको दिक्कत होती है, या फिर वो उतने एजुकेटेड नहीं होते, या फिर वो टेक्निकल लोग नहीं होते, अगर दूसरे में बिल्कुल आसान भाषा में बताऊं आपको। तो आपको क्या करना है, कंसर्न पर्सन को कॉन्टेक्ट करना है जो परचेज मैनेजर है। नॉर्मली कंपनी में कोई भी अगर परचेज करता है, कोई भी अगर ऑर्डर आता है, तो वो परचेज डिपार्टमेंट से आता है, आपको उनके परचेज डिपार्टमेंट का ईमेल आईडी लेना है और परचेज डिपार्टमेंट का जो परचेज मैनेजर है, इंजीनियर जो भी है, उनको आपको कॉन्टेक्ट करना है। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है टाइप ऑफ अप्रोच, यानी आप किस टाइप की अप्रोच कर रहे हैं, आप उनको व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर रहे हैं, फेसबुक से कांटेक्ट कर रहे हैं, या फिर डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं, या फिर आप एग्जीबिशन से उनको मिले हैं, या फिर आपका बायर आपसे किस टाइप से मिला है, आप उनको किस टाइप से मिले, क्या आपका अप्रोच मेथड रहा है, या फिर आपका सोर्सिंग ऑफ सप्लायर क्या है, सोर्सिंग ऑफ योर बायर क्या है, वो मैंने एक वीडियो भी अगर बनाया हुआ है तो वो भी आप देख लीजिए, मैं जरूर बना के रखा अपने चैनल में, वो भी आप उसको देख लीजिए, हाउ टू वेरीफाई
बायर हाउ टू वेरीफाई सप्लायर। तो आपका अप्रोच अगर एग्जीबिशन वाला रहेगा तो एग्जीबिशन में क्या पेड सर्विसेज रहती है, तो जो भी बंदा अगर अपना स्टॉल लगाता है तो उसको खर्चा करना पड़ता है, जबकि आपकी ईपीसी जो है एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसलिंग है गवर्नमेंट की तरफ से आपको उसमें थोड़ा छूट भी मिल जाती है, थोड़ी आपको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलती है, लेकिन जो बंदा उसमें जाएगा दे आर दी सीरियस एंड जो जेन्युइन बायर, तो जेन्युइन बायर ही वहां पर जाते हैं नॉर्मली, कोई भी फ्रॉड जाने की वहां पर कोशिश नहीं करते हैं। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है रॉन्ग प्रोडक्ट, यानी अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपका प्रोडक्ट तो डिफाइंड है कि मुझे यही प्रोडक्ट अपना एक्सपोर्ट करना है, तो आप किसी गलत मार्केट में टारगेट कर रहे हैं, तो आपको सही मार्केट में टारगेट करना पड़ेगा। अगर आपका आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं और आप जो सोर्स कर रहे हैं प्रोडक्ट का, जो आपने सिलेक्शन किया है, प्रोडक्ट सिलेक्शन वाला भी मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ अपने चैनल पर, अगर वो आपने नहीं देखा तो जरूर उसको भी जाके देख लीजिए फ्रेंड्स। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन आप अच्छे से कीजिए, किस प्रोडक्ट की डिमांड है वो अच्छे से स्टडी कीजिए, क्योंकि जैसे अगर हम सब्जी भी लेने जाते हैं मार्केट में तो उसकी भी हम रिसर्च करते हैं, पहले दो तीन दुकानों पे पूछते हैं आपके यहाँ क्या है, आपके यहाँ क्या रेट है, इस टाइप से। तो अगर ये देखिए हम सब्जी लेने के लिए थोड़ी रिसर्च करते हैं, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या फिर बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए तो हमें अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए, अपने प्रॉफिट मार्जिन प्रॉफिट और लॉस का पूरा अच्छे से कैलकुलेशन या फिर उसका रिस्क कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तो नेक्स्ट मेरा पॉइंट है रॉन्ग मार्केट, यानी आपका प्रोडक्ट अगर सही है या प्रोडक्ट आपने अच्छा चूज किया है जिसका डिमांड भी है, तो आपने मार्केट अच्छी सर्च नहीं किया है, तो मार्केट का भी सर्च करने वाला मेरा एक वीडियो है हाउ टू सर्च मार्केट, तो वो भी आपने अगर नहीं देखा तो उसको भी आप देख लीजिए मेरे चैनल में जाके फ्रेंड्स। तो अगर मार्केट आपकी रॉन्ग है, यानी आपका प्रोडक्ट तो सही है लेकिन अभी जैसे लो क्वालिटी का आपका कोई प्रोडक्ट है और उसको आप यूरोपियन मार्केट में सेल करना चाहते हैं, यूरोपियन मार्केट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो क्या एक्सपोर्ट होगा? नहीं होगा फ्रेंड्स, आप गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं वहां पर क्वालिटी प्रोडक्ट ही चलते हैं। और आपका कोई अच्छा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है, कोई महंगा बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है, उसको एशियन कंट्री में आप भेजना चाहेंगे, यानी बांग्लादेश में भेजना चाहेंगे, नेपाल में भेजना चाहेंगे, ये अमेरिकन कंट्रीज में, मतलब अफ्रीकन कंट्रीज में भेजना चाहेंगे, तो वहां भी चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि उनको क्या अभी वो डेवलपिंग कंट्री है, उनको अभी सस्ता चाहिए, उनकी बस नीड पूरी होनी चाहिए। लेकिन यूरोपियन कंट्री में अगर आप बात करेंगे तो वहां पर डेवलप्ड हो चुके हैं लोग, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उनका जो खर्चा करने वाला जो पोटेंशियल है, बाइंग पोटेंशियल है, वो अच्छा है, उनका पर कैपिटा इनकम अच्छा है, तो वो लोग क्वालिटी प्रोडक्ट को ही पसंद करते हैं, उसको प्रायोरिटी देते हैं। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है फॉलोअप, यानी फॉलोअप आप किस टाइप से कर रहे हैं, आपको बायर का ईमेल का आपका रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है, आपका बायर आपको रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है, आपका फॉलोअप करने का तरीका सही नहीं है, तो उसको आप सही कीजिए कि जैसे भी आपको अगर फॉलोअप करना है तो पहले इंट्रोडक्शन आपने मेल डाला, मेल में बहुत ज़्यादा आपको कंटेंट नहीं रखना है, शॉर्ट एंड स्वीट आप मेल डालिए, उसके बाद दो या तीन दिन के बाद उनको आप रिमाइंड कराइए। हो सकता है क्योंकि जैसे देखिए अगर मेरे पास में भी डेली में 100 मेल्स आते हैं तो क्या मैं सबको ओपन करके देखता हूँ? नहीं, सबको ओपन करके नहीं देखता हूँ, जस्ट कई बार मुझसे मिस होने के भी चांसेस है, मैं छुट्टी पे हूँ या फिर मेरी तबीयत सही नहीं है या फिर मेरे पास वर्कलोड ज्यादा है तो मैं नहीं देख पाया, हो सकता है मुझसे मिस हो गया। तो आप फॉलोअप जरूर कीजिए प्रोफेशनल तरीके से, दोबारा उनको एक रिमाइंडर मेल जरूर डालिए दो या तीन दिन के बाद में। नेक्स्ट मेरा पॉइंट आता है इम्प्रॉपर ड्राफ्टिंग ऑफ मेल बॉडी, यानी मेल बॉडी को आप जब से ड्राफ्ट कर रहे हैं तो उसको अच्छे से आप ड्राफ्ट कीजिए, जो लिखने का मेथड है उसको ग्रीटिंग से आप चालू कीजिए, ग्रीटिंग फ्रॉम द ग्लोबल एक्सपोर्ट डॉट कॉम, तो उस टाइप से आपको मतलब उसको पढ़ने में एकदम से लगेगा कि ये प्रोफेशनल लोग हैं और ये प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस करेंगे आगे। अपने प्रोडक्ट के बारे में शॉर्ट एंड स्वीट लिखिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन मेल में ही आपने इतना ज्यादा क्वांटिटी रख दिया, मे बी 5000 वर्ड्स आपने रख दिए तो वो पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा, उसके पास उतना टाइम ही नहीं है। मतलब आपका इस टाइप से मेल बॉडी रहनी चाहिए कि मिनिमम शब्दों में आप अपना एक्सप्लेन कर सके, और कुछ अगर आपके पास फोटो वगैरह है तो फोटो वगैरह भी आप अटैच कर सकते हैं या मेल बॉडी में डायरेक्ट रख सकते हैं आपके प्रोडक्ट का। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है सब्जेक्ट लाइन ऑफ द ईमेल, यानी ईमेल का जो सब्जेक्ट लाइन है 80% जो आपका ईमेल है वो पढ़ा जाता है आपके टैग लाइन से, यानी आपका जो आपने सब्जेक्ट रखा है, मेल का सब्जेक्ट रखा है। जैसे अगर आप इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं या फिर किसी प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं, आपने मेल में रखा गुड क्वालिटी या प्रीमियम क्वालिटी इमिटेशन ज्वेलरी सप्लायर फ्रॉम इंडिया, तो ये एक आप ड्राफ्टिंग कर रहे हैं जब मेल, तो उसमें आप मेल का आपने ये सब्जेक्ट रखा, और दूसरा आपने एक अलग क्वालिटी का आपने रखा, जो फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कि वी आर द सप्लायर फ्रॉम इंडिया,
अब वो किस चीज के सप्लायर हैं, क्या क्वालिटी है उनका, तो वो उसको ज्यादा इंटरटेन नहीं करेगा और वो उसको मेल को खोल के भी नहीं देखेगा। तो आपका मतलब जो टैगलाइन है यानी जो आपका सब्जेक्ट है वो पूरे आपका मैसेज को क्लियरली डिफाइन कर देना होना चाहिए, यानी वो ही आपका लाइन डिपेंड करता है कि आपका बायर या फिर जिसको आप मेल करें, जरूरी नहीं कि आप बायर को ही मेल करें, जिसको भी आप मेल कर रहे हैं वो उसको ओपन करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की बात आती है, ऑप्टिमाइजेशन की बात आती है, तो किसी के पास में भी उतना एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, वो सिर्फ उसी पे टाइम फोकस करेगा जो उसके काम का है या जो उसको अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है अवॉइड शॉर्ट फॉर्म्स, यानी शॉर्ट फॉर्म को आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए फ्रेंड्स। कई बार मैंने लिख दिया यू, तो वाई ओ यू पूरा आपको लिखना है, ओनली यू लिख के काम नहीं चलेगा। या फिर आपको बोलते हैं प्लीज फाइंड अटैचमेंट, तो एफ जो सो एफ पी ऐसे करके लिख देते हैं, तो वो आप बिल्कुल मत लिखिए। हो सकता है आप जानते हो, आपकी कंट्री में जानते हैं, या फिर आपकी कंपनी में जानते हैं, या फिर आपकी स्टेट में इस चीज को जानते हैं, लेकिन हो सकता है जिस कंट्री में आप ये कर रहे हैं, आप मेल कर रहे हैं, हो सकता है उसको आइडिया ना हो या उनकी कंट्री में इसका कुछ अलग मीनिंग हो, तो उससे क्या गलत भी हो सकता है फ्रेंड्स। तो वैसा मत कीजिए, आप शॉर्ट फॉर्म्स को हो सकता है तो अवॉइड ही कीजिए। नेक्स्ट मेरा पॉइंट आता है मेल अटैचमेंट, यानी हमने कई बार लिखा है कि प्लीज फाइंड द अटैच्ड फाइल, यानी अटैच फाइल तो लिख दिया है लेकिन उसमें फाइल को अटैच करना भूल गए। कई बार 30-40% ऐसा मिस्टेक भी होता है, जल्दबाजी में होता है, लेकिन आप इसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, हो सकता है आप अवॉइड कर पाए। नेक्स्ट आता है प्रूफ रीडिंग, यानी जब आप मेल भेजे तो उसको एक बार पढ़ के जरूर देख लें, उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है या फिर उसमें सेंटेंस कुछ ऐसा तो नहीं, उसका मीनिंग आपका क्वालिटी मीनिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका प्रूफ रीडिंग आप जरूर कर ले फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है प्रॉम्प्ट रिप्लाई, यानी अगर आपको बायर का कोई ईमेल आता है या फिर क्वेरी आती है या फिर कोई क्वेश्चन आता है, तो उसका आप रिप्लाई देने में बहुत ज्यादा आप टाइम मत लीजिए, उसका प्रॉम्प्ट आप रिप्लाई दीजिए, तभी आपका बिजनेस ग्रो होगा फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, और ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेंबर्स में शेयर कीजिए, उन लोगों को शेयर कीजिए जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना चाहते हैं या फिर वो बिजनेस कर रहे हैं अपने लोकल मार्केट में और इंटरनेशनल बिजनेस में अपने बिजनेस को ग्रो कराना चाहते हैं। इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट करने में मेरी मदद कीजिए, लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।